नमस्कार, आज मैं आपको हार्ट एंड थ्रोट बर्निंग का ट्रीटमेंट कलर से कैसे किया जाता है ये बताऊंगा, क्योंकि कई बार हम लोग ज़्यादा तेज़ मसालेदार और ज़्यादा गर्म तासीर के भोजन कर लेते हैं, उससे हमारे शरीर में एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे हमारा छाती में, हार्ट में और गले में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें चार तरह के स्केच पेन चाहिए होंगे। नंबर वन पे ब्लैक कलर, नंबर टू पे वायलेट, नंबर थ्री पे ग्रीन कलर एंड नंबर फोर पे स्काई ब्लू। तो अब मैं आपको ये लगाना कैसे है और कहाँ लगाना है उसकी विधि बताता हूँ। सबसे पहले आपने ब्लैक कलर लेना है और ये हमारा राइट हैंड का थंब है, ये राइट हैंड का थंब है जो इस पे मैंने कलर्स पहले ही लगाए हुए हैं। तो ये एक राइट हैंड के थंब के सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे, दो ही जॉइंट होते हैं, एक ब्लैक कलर ऊपर और एक नीचे, जो नीचे का भी जॉइंट है वहाँ जॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट आगे लगाने हैं और दो डॉट बिल्कुल पीछे जैसे मैंने लगाए हैं, इसी तरह से दो डॉट लगाने हैं, ये एक आगे और एक पीछे, ऐसे ही एक आगे और एक ये पीछे। इसके बाद हम लोग वायलेट कलर लेंगे। वायलेट कलर जो है ये फिंगर्स वाली साइड पे, बिल्कुल उसके साथ में फिंगर वाली साइड में, थोड़ा सा गैप छोड़ के, क्योंकि इसका थोड़ा नीचे का जो है एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए एक पॉइंट छोड़ के ऊपर भी और नीचे भी एक एक डॉट लगाना है वायलेट कलर के पेन से। उसके बाद हम लोग ग्रीन कलर लेंगे। ग्रीन कलर से फिंगर्स वाली साइड पे ही ये ऊपर वाले जॉइंट पे एक डॉट लगाएंगे, उसके बाद ये नीचे वाले जॉइंट पे एक डॉट लगाएंगे ग्रीन कलर के पेन से। उसके बाद लेंगे हम लोग स्काई ब्लू कलर, ये लाइट स्काई ब्लू कलर का पेन लेंगे। तो अब ये हमने दूसरे वाली साइड पे आ जाना है, दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर के साथ में नीचे डॉट लगाएंगे और एक ऊपर वाली साइड पे भी डॉट लगाएंगे ऐसे। इसके बाद फिर दोबारा से ग्रीन कलर लेंगे, तो जहाँ हमने स्काई ब्लू लगाया है उसके बिल्कुल साथ में एक ग्रीन कलर का डॉट लगाएंगे, ऐसे ही ऊपर और ऐसे ही नीचे एक एक डॉट लगाएंगे। ये लगाने के कुछ समय के पश्चात ही आपको जलन में राहत मिलेगी और बहुत आराम मिलेगा। तो कृपया ये कलर्स जो हैं दिन में ही लगाएं, रात को भी ये आराम देते हैं, कलर से आराम आता है, लेकिन जो सूरज की रोशनी में और दिन में इनका ट्रीटमेंट का आराम है वो रात में उतना नहीं आता, इसलिए आप घर बैठे बैठे ही अपना ट्रीटमेंट कीजिए और इसका रिस्पॉन्स मेरे को ज़रूर बताइए। धन्यवाद।